श्री कृष्ण ने ब्रज की भूमि पर अनेकों लीलाओं को किया है। ये ब्रज भूमि ऐसी पावन मिट्टी जिस पर रसखान तो ये तक कह देते हैं कि प्रभु इस मिट्टी पर ही मुझे इस धरती पर ही जन्म देना, अगर मेरे कर्म अच्छे हों तो मनुष्य बनाकर भेज देना, उतने कर्म न हो उतना सौभाग्य न हो तो प्रभु कोई जीव जंतु बना देना, कीट पतंग बना देना, कीड़ा मकोड़ा बना देना, कोई लता पता बना देना, एक बालू का कण बना देना, गौ माता का बछड़ा बना, जो बनाना चाहो बना देना, लेकिन ब्रज भूमि पर ही मुझे जीवन मिले क्योंकि वहां मेरे कृष्ण की कृपा है, कृष्ण की कृपा बरस रही है। ऐसी ये मिट्टी, ऐसी ये धरती, और निश्चित रूप से ब्रज भूमि ही नहीं, हम और आप सब जिस भूमि में जन्मे हैं, जिस भूमि में रहते हैं, जिस धरती पर रहते हैं, जिस भारत माता के सानिध्य में रहते हैं, जिस आंचल में रहते हैं, वो पूरी धरा ही इतनी सौंदर्य युक्त है, इतनी सुंदर है, कृपामयी है। इस मिट्टी के कण कण में खुशबू है, इस मिट्टी को लोग अपने माथे पर लगा करके अपना भाग्य बना लिया करते हैं, इस मिट्टी की इतनी महिमा है। पर ये महिमा तब समझ में आती है जब हम इस मिट्टी से थोड़ा दूर रहते हैं। हम इस मिट्टी का, अपनी मातृभूमि का, या उससे उतना प्रेम नहीं कर पाते। इस मिट्टी की महिमा प्रभु श्री राम भी बताते हैं, जब जीत करके राक्षसों का खात्मा करके रावण इत्यादि को मार कर प्रभु श्री राम जब आने वाले थे तो लक्ष्मण जी ने एकाएक ऐसा कह दिया कि भैया ये लंकापुरी तो देखो कितनी सुंदर है, ये सोने की लंका बड़ी सुंदर लग रही है। तो प्रभु श्री राम ने कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अरे लक्ष्मण ये बेशक सोने की होगी पर मेरे लिए तो ये मिट्टी से मिट्टी की भी, मेरे यहाँ की मिट्टी जितनी कीमती है उतनी कीमती भी नहीं है। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, मुझे ये सुहाती नहीं है क्योंकि जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है।